बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैन व सुकून देने वाली 60 बातें इस वीडियो में हम बयान करने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। नंबर एक, अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप अल्लाह को पसंद आ जाएं। जब अल्लाह को पसंद आ गए तो लोगों को खुद बखुद पसंद आ जाएंगे। नंबर दो, जो आंसू अल्लाह की याद में निकले वे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। नंबर तीन, जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और के भी मदद भी। नंबर चार, लोग हजार मिन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। नंबर पाँच, रब से मांगने की आदत बना लो, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। नंबर छः, इंसान को अल्लाह कभी याद आए या ना आए लेकिन दो मौकों पर जरूर याद करता है, जब वह उसको कुछ देता है और जब वह उससे कुछ छीन लेता है। नंबर सात, अल्लाह जब किसी की मदद करने पे आता है तो ना मालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। नंबर आठ, अल्लाह को दिल और जुबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। उन्हें नरम रखो, दिल मोहब्बत से नरम होता है और जुबान खलाक से। नंबर नौ, इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसे उसके ऐब और नापाकियों से पाक फरमा कर जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। नंबर दस, एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में सारा कुरान है। नंबर ग्यारह, बेशक अल्लाह थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी गिरा नहीं सकती। नंबर बारह, बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वह अपने रब को सजदा ना करे। नंबर तेरह, टूटने के बाद जो तुमसे हिम्मत आते हैं ना दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। नंबर चौदह, आप मुखलिस रहे यही काफी है, अजर तो अल्लाह ताला देगा। नंबर पंद्रह, ए हमारे परवरदिगार, हमारी किस्मत में कोई ऐसा सजदा लिख दे जो हमारे गुनाहों की तालफी कर दे। नंबर सोलह, इंसान तब तकलीफों में घिर जाता है जब वह अल्लाह के आगे झुकना छोड़ देता है। नंबर सत्रह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नियामत ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, एक सेहत और दूसरी जवानी। नंबर अठारह, अल्लाह ताला को वे इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। नंबर उन्नीस, जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं दुनिया उनकी जिंदगी मुश्किल बना देती है, और जो लोग अल्लाह की परवाह करते हैं अल्लाह उनकी जिंदगी आसान बना देता है। नंबर बीस, उदासियां इंसान पर तभी हावी हो जाती हैं जब वह अल्लाह को छोड़कर बंदों की इबादत करता है। नंबर इक्कीस, हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की इताअत करके उससे डरते रहो। नंबर बाईस, जब सारी दुनिया मुंह फेर लेते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। नंबर तेईस, शेख सादे रहमतुल्लाह अली ने फरमाया, मैं पूरी जिंदगी दो बंदों की तलाश करने पर भी तलाश ना कर सका, एक वह जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और वह गरीब हो गया हो, दूसरा वह जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। नंबर चौबीस, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। नंबर 25, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में जब सुकून होता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास ही जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। नंबर 26, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। नंबर 27, दुनिया जो भूख प्यास से डरती है मेरे अल्लाह ने उसको इबादत बना दिया जिसे रोजा कहते हैं। नंबर 28, अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 29, शेख सऊदी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, दिन की रोशनी में रिजक तलाश करो और रात की अंधेरी में
उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज़्क देता है। नंबर 30, अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया है लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा है और फरमाया है, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। नंबर 31, जिसके जिस्म में रूह निकल जाए उसको मुर्दा दिल कहते हैं लेकिन वह जिंदा भी मुर्दा जैसा ही है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। नंबर 32, मायूस वह होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और महरूम वह होता है जो अल्लाह के नियमतों का शुक्र अदा नहीं करता। नंबर 33, और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उनके लिए जरूर रास्ता निकालता है। नंबर 34, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुम्हें भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो क्योंकि लोगों को जरूरत का तुमसे वास्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। नंबर 35, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती है। नंबर 36, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। नंबर 37, लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करो क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। नंबर 38, जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत से भी ज्यादा अजीज होती है। नंबर 39, अल्लाह से हमेशा वे तलब क्या करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो ना कि वे जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। नंबर 40, जब अल्लाह राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐब का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। नंबर 41, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल क्यों नहीं करता बल्कि ये शुक्र अदा करो कि वे तुम्हारी गुनाहों की सजा फौरन क्यों नहीं देता। बेशक अल्लाह अकबर। नंबर 42, दिल छोटा मत करे, वे रब देख रहा है, वे रब सुन रहा है, वे हमारी खामोशी में छुपे दर्द को भी महसूस कर रहा है, बस यकीन रखो उस पर वे जवाब जरूर देगा। नंबर 43, जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नंबर 44, जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो वे आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बुरे हाथों से खुलवाता है। नंबर 45, किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। नंबर 46, सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह पाक खुद लड़ता है। नंबर 47, अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील चाहिए कि अपने गुनाहों के बाद भी वह हमारे गुनाहों को छुपाकर लोगों में इज्जत देता है। नंबर 48, लोग तुम्हें दर्द देंगे, रब मरहम देगा, लोग तुम्हें जिल्लत देंगे, रब तुम्हें इज्जत देगा, लोग तुम्हारे ऊपर जज बनेंगे, रब तुम्हें इंसाफ देगा, लोग तुम्हारे मुंह का निवाला छीने, रब तुम्हें रिजक अताफ करेगा। नंबर 49, लोग भूल जाएंगे, अल्लाह नहीं भूलता, ना आपकी नेकी ना लोगों के ज्यादती। नंबर 50, तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। नंबर 51, अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त और हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता लेकिन लोग वहाँ से आजमाना शुरू करते हैं जहाँ से इंसान की बर्दाश्त की हद खत्म होती है। नंबर 52, मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है, बेशक मेरा रब मुझे मायूस नहीं करता। नंबर 53, आजमाइश तो इन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है और सब्र वही करती है जो अल्लाह को चाहते हैं। नंबर 54, इंसान को एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से अस्तगफार के आंसू आंखों से निकल आते हैं। नंबर 55, अल्लाह ताला के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है इसलिए शिकवा नहीं शुक्र अदा करें। नंबर 56, आधे से ज्यादा काम तो उस वक्त ही हो जाते हैं जब आप कहते हैं या अल्लाह मदद कर। नंबर 57, जब सुकून की तलब सताया करे तब लोगों को नहीं अल्लाह को याद किया करो। नंबर 58,
इंसान हक की नुसरत और मदद तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके दिल में गैरों की हिदायत की तमन्ना ना हो। नंबर 59, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है कि ए इब्ने आदम, तू मेरे जरूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने खजाने में तुझको देता रहूंगा। नंबर 60, अल्लाह ताला छोटी तकलीफ देकर इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। वे बड़ा गफूर रहीम है, उसकी हिकमत इंसान की समझ से बालातर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और जाते जाते वीडियो के आखिर में एक बार दरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं एक और मालूमात वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।